What's up everyone, welcome back to the channel. तो last class पे हम लोगों ने national income का income method समझा था और कुछ numericals भी करे थे. आज हम लोग दूसरा method समझते हैं जिसमें हम consider कर लेते हैं expenditure method. आज expenditure के बाद फिर value added समझेंगे और आपका numerical portion national income का बिल्कुल complete हो जाएगा. फिर ADS बोलोगे, ADS करा दूंगा और इंडियन इको तो मैं वन शॉट कराऊंगा, एक ही शॉट में चारों चैप्टर्स, तुम्हारा सिलेबस खत्म. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम national income का. आज करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड. लेट्स बिगिन. तो गाइज एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए और क्या क्या जोड़ के क्या क्या मिलेगा. जैसा आप इनकम मेथड के प्राइम पांच कंपोनेंट ले रहे थे, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स इनकम, सीओई, पांचों को जोड़ दूं तो डोमेस्टिक इनकम बन जाता था, है ना. यहां पे आपके चार कंपोनेंट्स हैं और बन के क्या आएगा, जीडीपी एट एमपी. याद रखेंगे हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एट एमपी मिलता है, ठीक हो गया. वहां पे डोमेस्टिक इनकम मिलता था, यहां पे क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी. और इसके चार कंपोनेंट्स हैं. सर चार कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? अब देखो एक्सपेंडिचर मेथड की बात हो रही है तो हमारे पास चार सेक्टर हैं. चार सेक्टर कौन कौन से हैं? हाउसहोल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो हम चारों का खर्चा जोड़ दें, बस टोटल खर्चा बन जाएगा देश का. तो चारों का अगर खर्चा जोड़ू, सबसे पहले हमने जोड़ा प्राइवेट यानी कि हाउसहोल्ड्स का. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसको सी से डिनोट करते हैं. आपको ये एज इट इज क्वेश्चन में गिवन होगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि जो हाउस होल्ड है, हम लोग हैं, हम अपने घर पे जो खर्चा कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर वो सी होता है, ठीक है. उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट करा जाता है इकोनॉमी में, जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, जो फर्म्स कर रही हैं, जो गवर्नमेंट कर रही है, वो बेसिकली यहाँ पे लेना है. वो क्या आ जाता है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर इसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं. कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट ही होता है डोमेस्टिक लेवल पे, हमारे देश के लेवल पे, ठीक है. अब कई बार क्या होगा आपको, या तो ये डायरेक्ट गिवन है, अगर डायरेक्ट गिवन है तो ये सब बात ही खत्म हो गई नीचे की. लेकिन अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो आपको ये कंपोनेंट्स ढूंढने पड़ेंगे. कंपोनेंट्स में आपको हो सकता है ये गिवन हो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि 99.99% केसेस में ये गिवन होता है. अगर ये ना हो तो, मतलब ये नीचे के तो होते ही नहीं है, ये तो मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बस तुम लोग को बता रहा हूं, बहुत सारी किताबों में भी नहीं है. बट स्टिल अब है कोई चीज तो, है ना, कॉन्सेप्ट तो बनाना ही है हम लोग को. कल को आप लोग पढ़ाने लगोगे तो जब पढ़ाओगे तो तुम लोग को लगेगा ना, हाँ कहीं भाई बढ़िया पढ़े थे, सब पता है हमें, नॉलेज है, राइट. तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर नहीं है तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होगा. फिक्स का मतलब हो गया एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, है ना. फिक्स एसेट्स हो गया तो फिर जो स्टॉक है, जो करंट एसेट है, उसे तो भूल गए. तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, फिक्स्ड वर्ड अगर आ जाए, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ जाए, तो उसमें क्या जोड़ेंगे, प्लस करना उसमें चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है. तो याद रखेंगे अगर मुझे डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है तो उस सिनेरियो में फिक्स्ड प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, ओके. अब कई बार ये फिक्स्ड के भी पार्ट्स दिए होते हैं. सर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ कहाँ हो सकती है, देखो सबसे पहले तो बिजनेस में हो गई, यानी मशीनों वशीनों में हो गई, जो फिक्स कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है ना, मशीन हो गई, जमीन हो गई, जो बिजनेस में लग गया फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट. रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, जो लोगों ने मकान वकान बनाए हुए रहने के लिए, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है फिक्स्ड, ठीक है. पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जैसे कि रोड्स बने हैं, डैम्स बने हैं, ब्रिजेस बने हैं, वो सब पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आ जाता है. तो तीन प्रकार की फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है, जो जनता ने करी है बिजनेस में अपने मकानों के लिए करी है, और जो सरकार ने करी है पब्लिक इन्वेस्टमेंट में. तो तीनों को ऐड कर दूं तो ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बनता है. फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में जोड़ोगे चेंज इन स्टॉक तो ये बनेगा, बट इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा आपको एग्जाम में, डोंट वरी एट ऑल. ज्यादा से ज्यादा ये गिवन होगा और ये गिवन होगा, इन दोनों को जोड़ना, यहाँ पहुंच जाओगे अगर फिक्स्ड वर्ड हो. फिक्स्ड नहीं है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये गिवन है आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है. इसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार का खर्चा गुड्स और सर्विसेज पे. गवर्नमेंट जितना भी, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट इधर आ चुकी है, ये खर्चा है गुड्स और सर्विसेज पे. सरकार अपनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है, गवर्नमेंट कुछ अगर कुछ फ्लड्स आए हैं वहां पे अपनी सर्विसेज दे रही है, वहां पे फ्री में डोनेशंस कर रही है. तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाता है, ठीक है जी. तो तीन सेक्टर आ गए, हमने प्राइवेट हाउस होल्ड भी ले लिया,
उसके बाद फर्म्स की इन्वेस्टमेंट भी ले ली, हाउस होल्ड की इन्वेस्टमेंट भी ले ली, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट भी ले ली, फिर हमने गवर्नमेंट का भी खर्चा ले लिया, उसके बाद बस एक ही बचा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके लिए आपको लास्ट में नेट एक्सपोर्ट्स लेना है एक्स माइनस एम, ठीक है। तो आप इन चार कॉम्पोनेंट को ढूंढोगे, इन्हें जोड़ो, इन्हें जोड़ के कहां पहुंच जाओगे, जीडीपी एट एमपी पे, ठीक है। जीडीपी एट एमपी पे एक बार पहुंच गए, फिर तो तुम एग्रीगेट्स आते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स कराए, कहीं भी जा सकते हो। तो सबसे पहले तो बेटा जी इसका स्क्रीनशॉट लो अपनी कॉपी में, प्रॉपर नोट्स बनाना, सो दैट कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आपकी गलती ना हो। ये आपके बेसिक फॉर्मूलाज आ गए एक्सपेंडिचर मेथड के। अब तुम्हें क्वेश्चन कराता हूं, आओ जी। सबसे पहला सवाल, कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालना है, गिवन क्या क्या है, ग्रॉस ये है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमें चाहिए क्या क्या था, मैं पहले ये लिख लेता हूं। देखो अगर एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना हो तो जीडीपी एट एमपी निकलता है और चार चीजें होती हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स अभी लिखे मैंने पीछे, और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चार चीजें हो गई, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। शुरू करता हूं मैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के साथ, 73,000 वो हमने यहां रख देंगे, 73,000, ठीक है जी। फिर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 5,10,000 वो हम यहां ले लेते हैं, 5,10,000 ये हो गया जी, ओके। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, देखो आ गया फिक्स्ड वर्ड आ गया, अगर फिक्स्ड आ गया यानी ये गिवन नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। तो फिक्स्ड में क्या जोड़ोगे, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, चेंज स्टॉक तो गिवन है, अरे वाह, अगर गिवन ना हो तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो आप 130 प्लस 30 कितना हो गया, 160, ये हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ गया 160। नेट एक्सपोर्ट्स के लिए एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स ये एक्सपोर्ट्स 50 माइनस इंपोर्ट्स 55, 50 माइनस 55 माइनस 5 आ गया, तो माइनस का 5,000 एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो चारों को अगर ऐड करूं तो जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, चारों को ऐड के लिए एक तो माइनस करना पड़ेगा, तो 73,000 प्लस 1,60,000 प्लस 5,10,000 माइनस 5,000 7,38,000 जीडीपी एट एमपी इज 7,38,000 ये जीडीपी एट एमपी आ गया, ठीक है। अब हमें जीडीपी एट एमपी नहीं चाहिए था, नेशनल इनकम चाहिए था। नेशनल इनकम क्या है, एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी इज 7,38,000। जी से एन ग्रॉस से नेट पे आना है तो माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो प्लस करना पड़ेगा एनएफआईए बाहर की इनकम, पीपी से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो माइनस करना पड़ेगा एनआईटी। चलो जी अब डेप्रिसिएशन देखो जी, डेप्रिसिएशन है सर, डेप्रिसिएशन तो दिख नहीं रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है। ये क्या होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, याद करो फर्स्ट लेक्चर में लिखवाया था, अगर डेप गिवन ना हो डेप को ही कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आ गया 1000, तो माइनस करो यहां से 1000 प्लस एनएफआईए, एनएफआईए माइनस का 500 तो ये भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस एनआईटी वो जीरो है ही नहीं, एनआईटी ना इनडायरेक्ट टैक्स है ना सब्सिडी है तो जीरो मान लो, ठीक है सर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 7,38,000 माइनस 1000, 500 भी माइनस ही करना पड़ेगा, माइनस 500, 736,500 यूनिट जो भी एग्जाम में होगा लाख या करोड़ वो लगा के आना, ठीक है आंसर। मैं मान रहा हूँ कि ये सब कुछ करोड़ में है, 7,36,500 करोड़, ये सब करोड़ में अज्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम में जो यूनिट होगा वो लगाना। इस प्रकार से आप एक्सपेंडिचर मेथड का न्यूमेरिकल कर सकते हो, आपको बस कॉम्पोनेंट्स ढूंढने हैं बेटा, ठीक है। आइए जी फटाफट से एक और कराता हूँ, आओ जी। अब क्या निकालना है सर, जीएनपी एट एमपी निकालना है, तो जीएनपी एट एमपी के लिए मैं पहले वो जीडीपी एमपी पे चलता हूँ फिर देख लेंगे। जीडीपी एट एमपी हमारे चार कंपोनेंट्स, सबसे पहला गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स,
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चलो मुझे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, सबसे पहले नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है, नेट एक्सपोर्ट्स 100, चलो ये 100 हो गया जी। रेंट, रेंट एंड रॉयल्टी तो इनकम मेथड का कंपोनेंट है, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 4000, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 4000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000। कॉर्पोरेट टैक्स भी इनकम मेथड का कंपोनेंट है, प्रॉफिट का पार्ट है, इसका कोई काम नहीं है। हमें चाहिए होता है बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें चाहिए होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमें दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि फिक्स्ड नहीं गिवन है, है तो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही, बट नेट पे है, हमें किस पे चाहिए होता है, ग्रॉस पे, यानी कि मुझे ये चाहिए, मुझे गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट से ग्रॉस पे कैसे जाऊं, अगर मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना हो तो क्या मैं प्लस डेप कर दूं, अगर मैं नेट में ये डेप जोड़ दूंगा तो ग्रॉस आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन गया, है ना। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 500 और डेप गिवन है 100, तो ये हो गया 500 प्लस 100 यानी कि 600, तो हमें चारों कंपोनेंट्स मिल गए, 1000 प्लस 600 1600 प्लस 100 1700, 1600 और 1700 प्लस 4000, 4000 और 1700 इज 5700, 5700 का जीडीपी एट एमपी आ गया, जीडीपी एट एमपी इज 5700। निकालना क्या था, जीएनपी एट एमपी निकालना था, जीएनपी एट एमपी गिवन क्या है, जीडीपी एट एमपी ये गिवन है 5700, गिवन क्या यार, निकाला है मेहनत करके, जी जी सेम है डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक पे नेशनल पे आना है तो प्लस कर दो एनएफआईए, एनएफआईए कितना है ये माइनस का 100, बाकी सब तो सेम है, बस 5700 माइनस का 100, 5600, फिर से मैं यूनिट्स करोड़ में अज्यूम कर रहा हूँ, 5600 करोड़ आंसर, ये भी आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप गाइज आप लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड का न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा और आप लोगों ने ध्यान से समझा होगा, मेरे साथ साथ किया होगा, ठीक है। अभी मैं तुम लोग को एक बार बेसिक्स करा दूं, फिर मैं एक लास्ट वीडियो में तुम्हें इसके सभी मेथड्स के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करा दूंगा कि ये एक्सट्रीम क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं, बट आपकी बुक्स, आपके पास जो भी बुक्स फॉलो करते हो, कॉन्सेप्ट करने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, आई एम डैम श्योर, आराम से करो, जो नहीं होगा वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में कवर कर दूंगा मैं। दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, बोर्ड्स में आए हुए थे, तो मैंने आपको कराए हैं। तो ये था हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड, अगली क्लास में मैं आप लोगों को कराता हूं वैल्यू एडेड मेथड, तो इनकम भी आपको आ गया, एक्सपेंडिचर भी आपको आ गया, वैल्यू एड भी आ जाएगा। फिर नेशनल इनकम की थ्योरी मैंने शुरू में करा दी थी, कुछ थ्योरी रह जाएगी वो मैं अभी आपको इसके बाद करा दूंगा, यूनिट खत्म, चैप्टर खत्म। चलिए जी, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, टिल देन अच्छे से पढ़ाई करते रहो, पेपर आने वाले हैं, डेट शीट का तो अभी कुछ पता नहीं है बट जल्दी ही आ जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून।